हरे कृष्णा। हम लोग काम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद की वाणी। प्रभुपाद बताते हैं कि जो छह प्रकार के जो दुश्मन हैं हमारे शरीर के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह प्रकार के दुश्मन में जो अन्यतम है, जिसके द्वारा सब कुछ की सृष्टि होती है, वो है काम। काम को अगर हम कंट्रोल में नहीं करेंगे, कंट्रोल तो करना इतना आसान नहीं है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। डाइवर्ट किस तरह से करना चाहिए, प्रभुपाद बताते हैं। डाइवर्ट नहीं करने से वो काम इतना आसान नहीं है उसको कर पाना। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि बहुत से लोग हैं जो साधु गुरुचरणे आसिया कामे दुर्गंध खर स्रोते फूल चापा दिया जे रूप रखा करवा चेष्टा करे, काले ताहा छड़ैया पड़े अगत्या गृही तादे शेष गति। बता रहे हैं जिस प्रकार से शरीर के अंदर, क्योंकि गुद कभी हमारी शरीर तो दुर्गंध है, शरीर दुर्गंध शरीर को हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रे मार करके, सेंट लगा करके और बाहर जाते हैं। तो सेंट तो ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता, जब तक उसका प्रभाव है तब तक वह दुर्गंध शरीर का ढका रहता है, लेकिन जब प्रभाव खत्म हो जाता है तो फिर वही दुर्गंध आने लगता है। तो इसी प्रकार से बताते हैं कि सदगुरु, साधु और गुरु के चरणों में आकर के काम को खर स्रोत फूल चापा दिया जे रूप रखा करवा चेष्टा करे। जिस प्रकार से हम लोग शरीर की दुर्गंध को रक्षा करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार को वेग के द्वारा अति अति बल के साथ, अति कंट्रोल के साथ उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, रोकना दबाना चाहते हैं, लेकिन वह दबता नहीं है। क्या होता है, काले तहा छड़ैया पड़े, और काल जब वो काल का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तो वह काम अपने आप छूट जाता हाथ से, और अंत में क्या उसकी गति होती है, घर में ही उसको जाना पड़ता, संसार में ही उसको जाना पड़ता है। आने के आभार श्री गुरुदेवीर उपदेवासा उपदेश सावली व मानसिक चिंता स्रोते विपरीत कार्य करण। बता रहे हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि गुरुदेव के उपदेश को सुनते हैं, और सुनने के बाद भी क्या करते हैं, मानसिक रूप से जो चिंता है उनके अंदर, उसके विपरीत, उपदेश के विपरीत वह काम करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था। आज श्रवण करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि हम अगर पूरा नहीं सुनेंगे तो तत्व समझ में आना मुश्किल है। इसके लिए पूरा सुने। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सुति ठाकुर कि ताहाते ताहार मनेर धारणा गुरुदेव अमादेर मतो एकजन अंध बैत नन। उनके अंदर क्या मन विचार आता है, उनके मन में विचार आता है कि गुरुदेव जो हैं हमारी तरह ही एक जन मनुष्य नहीं है। से सब अनभिज्ञ लोग जाने ना, से
से सब अनभिज्ञ लोग जाने ना जे गुरुदेव अमादेर हृदय समस्त वृत्ति दर्शक ताहाते ताहार मने धारणा गुरुदेव अमादेर मत एक जन बैत नन उन लोगों के अंदर हमारे जैसे इंसान के अंदर यह धारणा होती है कि गुरुदेव हमारे जैसे शरीर वाले या हमारे जैसे मन वाले नहीं हैं और से सब अनभिज्ञ लोग हमारे जैसे अनभिज्ञ लोगों की बात बता रहे हैं यहाँ पर कि गुरुदेव हम यह नहीं समझ पाते गुरुदेव हमारे जो शुद्ध वैष्णव गुरु हैं वह हमारे हृदय की सारी चीज़ों को वह दर्शक हैं क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो कुछ चलता है वह हमारे मुख पे आता है क्योंकि मुख आईना है और गुरुदेव इस मुख को देख करके वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। मैंने अपने गुरुजी के पास गया मायापुर परिक्रमा में जाने के लिए इच्छा था कि मायापुर परिक्रमा में जाऊंगा तो मैं गुरुजी को माला पहना अर्पण किया। उस समय मैं कलकत्ता मठ में पुजारी था। माला अर्पण किया प्रणाम किया और सारे लोग तो चले गए मैं लास्ट में था। तब हमें गुरु महाराज मैं बोलने वाला ही हूँ कि गुरु महाराज बोलते हैं कि सारे लोग तो मायापुर जा रहे हैं सारे लोग चले जाएंगे तो भगवान की सेवा कौन करेगा। इसलिए भगवान की सेवा के लिए तुम यहाँ रहो। मेरे अंदर की जो बातें मैं बोलूँगा वह गुरुजी ने बोल दिया ऑलरेडी। इसलिए गुरुजी अंतर्यामी हैं। जब मैं बोलने जा रहा हूँ वही चीज़ गुरुजी ने बोल दिया कि तुम यहाँ रहो यहाँ रह करके सेवा करो। और ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर कोई 10 बाल्टी पानी डाला हो और मेरा शरीर ठंडा हो गया। मतलब ठीक है महाराज जो आपका आदेश। और सेवा में था तो गुरुजी सब जानते हैं। गुरुदेव के चरणों में अपराधी हैं हम लोग जिन कारण से गुरुजी को हम लोग समझ नहीं पाए हमारे गुरुदेव हैं क्या। इसलिए यहाँ पर बताते हैं गुरु महाराज हमारे सारे हृदय की बातों को जानते हैं अंतर्यामी हैं। तिनी मर्त जीव न है वनी हमारे जैसे मरणशील जीव नहीं हैं। ले देश काल करणे निगड़े तिनी मंद न हैं। बता रहे हैं जो सदगुरु होते हैं वह देश काल और करण कर्म के जो बंधन है उसमें बंधे हुए नहीं हैं। अमरा एमन कोनो न्याय जानिया जे हृदय कपट वृत्ति गुली चापा दिया अनेक अन्न के फाकी दीबो। हम लोग क्या समझते हैं कि बहुत से तरह से जो हमारे अंदर कपट है उसको हृदय में दबा के रखेंगे और दूसरों को फाकी देंगे। मतलब फाकी मतलब क्या बोलते हैं उसको धोखा देना कि हम दूसरों को धोखा देंगे। फाकी देते के लिए निजी फाकी भीतर पड़िया जीता है। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि हम अगर दूसरों को धोखा देने जाते हैं तो यहाँ पर खुद को ही धोखा खाना पड़ता है।
यदि हमारे विश्वास थाके, प्रपात भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर बता रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई हमारे अंदर विश्वास है ताहले श्री गोपाल देवे ही साची प्रदाने हमारे सकल संदेह भंजन करें। अगर विश्वास है हमारे अंदर भगवान के प्रति तो गोपाल ही हमारी सारी चीजों की साक्षी रूप से संदेह को दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके विषय में एक कांचीपुरम के वृद्ध ब्राह्मण थे और वह तीर्थ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ कोई जाने वाला नहीं था सेवा के लिए। तो खोजे खोज करके एक गरीब ब्राह्मण था बच्चा, छोटा विप्र, उसको लेके उन्होंने तीर्थ भ्रमण किए। जब वृंदावन आए तो गोपाल के मंदिर में बैठ करके वह चिंता कर रहे हैं कि इस ब्राह्मण को मैं क्या दूं, क्योंकि इसने तो बहुत सेवा किया हमारा। राधे, बहुत सेवा किया, सेवा का उपहार तो देना ही पड़ता है, तो मैं क्या दूं ऐसा जो इसकी योग्य हो। तब उन्होंने बोला, विप्र तुमने बहुत सेवा किए हो, मेरी इच्छा है कि घर पर चल करके मैं अपने लड़की की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए। तो बोलते हैं, याद रहेगा ना घर पर जाके? बोलते हैं, हाँ याद रहेगा। बोलते हैं, गोपाल आपके सामने साक्षी दे बोल रहे हैं, आपके सामने ये बोल रहे हैं कि अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करेंगे। अगर घर पर जाकर के मुकर गए तो आपको साक्षी देने जाना पड़ेगा। बोल करके चले गए। घर पर गए, 6 महीना बीत गया, कोई खबर ही नहीं है। उन्होंने जाके बोला तो बोलते याद नहीं है कि उन्हें क्या बोला था, क्यों उन्होंने बच्चों से बात किया। बोलते वो उस गरीब ब्राह्मण को अपनी लड़की देंगे, अपनी बहन देंगे हम, जो अपनी अपनी खर्चा नहीं चला सकता वो हमारी बहन का खर्चा कैसे चलाएगा, इसलिए हम अपनी बहन की शादी उसके साथ नहीं करेंगे। बोलते मैं उसको जवाब क्या दूँ? बोला ठीक, बोल देना कि मैं वृद्धा हो गया, मुझे याद नहीं है मैंने कुछ बोला। ठीक है, बोल दिए। पंचायत जुटाया, पंचायत नहीं बोले तो लड़का ने उनका बोला कि आपके पास कोई प्रमाण है जो मेरे पिताजी बोले हैं कि लड़की देने के लिए? बोला हाँ है। तो क्या? बोला गोपाल है। ठीक है, गोपाल को ले क्या हो? तो वो लोग की बुद्धि क्या थी कि गोपाल तो आने वाला नहीं है और हमारी बहन की शादी भी नहीं होगी उसके साथ। इन्होंने आए वृंदावन गोपाल के, बोले गोपाल उस ब्राह्मण ने आपके सामने बोला था मेरी लड़की की, अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने के लिए, आज वो मुकर गया है और आपको चलना पड़ेगा साक्षी देने के लिए। गोपाल बोलते हैं, विग्रह कहीं चलता है तो भक्त के आगे भगवान अपने आप को छुपा नहीं सकते। गोपाल स्वयं बोलते हैं कि भक्त विग्रह कहीं चलता है, विप्र बोलते हैं कि विग्रह कहीं बोलता है। अब फंस गए, गोपाल फंस गए। ठीक है, मैं चलूँगा लेकिन मुझे खिलाते पिलाते लेके जाना पड़ेगा। मतलब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊँगा। तो बोलते पीछे पीछे जाओगे, मुझे पता कैसे रहेगा कि जो तुम आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो? बोलते मेरी घुघरू की जो आवाज़ है वो तुम्हारे कानों में जाती रहेगी, लेकिन पीछे मुड़ के कहीं नहीं देखना। पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। मतलब ठीक है। तो उन्होंने लेके गए कांचीपुरम में। जब कांचीपुरम नदी के पास पहुंचे
तो वहाँ पर बालू था, बालू में जब भगवान चल रहे हैं तो उनकी घुघरों की आवाज नहीं आ रही है। तो उन्होंने जब आवाज़ सुना नहीं तो पीछे मुड़ के देख लिए, आज जैसे ही पीछे मुड़ के देखे गोपाल खड़े हो गए। तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं इसलिए जो है पीछे मुड़ के देखा, बोलते बालू था इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। बोले ठीक है, उन लोगों को जाके बोलो मैं आया हूँ। तो गांव वालों को जाकर के बोले, विप्र को जाके बोले गोपाल आए हैं, चलो आप लोग साक्षी देने के लिए। सारे उत्साह के साथ गोपाल का दर्शन करने के लिए आए, गोपाल ने साक्षी दिया वहाँ पर। तो साक्षी गोपाल बहुत महिमा है, वो साक्षी गोपाल आज भी हैं, हम लोग दर्शन करने के लिए पुणे में जाते हैं तो वहाँ पर दर्शन होते हैं साक्षी गोपाल जी के। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि गोपाल देव ही साक्षी पता ने हमारे सकल संदेह भजन करें, गोपाल ही साक्षी दे करके हमारी जितनी भी संदेह है सारे संदेह को दूर करते हैं। तिनी अमार हृदय दृष्टा सर्वसाक्षी पुरुष, गोपाल जो है हमारे हृदय के सारे चीज़ों को देखने वाले हैं और सबकी साक्षी देने वाले हैं, इसलिए गोपाल साक्षी स्वरूप हैं। जिन्हें नानाविध मतवादीर मतों खंडन करिया भक्ति सिद्धांत उत्कर्ष देखाया देन भक्ति लिप्सुगन योग्यतार अभावे असत संप्रदाय कुसिद्धांतर तामसा छन्ने पथहारा हया गिले सत सिद्धांत लोक पथ प्रदर्शन करन व मने व्यसन क्रीड़ा व रंग कठोर रोक्ति द्वारा छेदन करें तिनी सदगुरु। यहाँ बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत स्वती प्रपात कि जिन्हें नाना प्रकार से जो नाना प्रकार से मतवाद का खंडन करके भक्ति सिद्धांत का उत्कर्ष श्रेष्ठता दिखाते हैं, भक्ति जो भक्ति की लालसु भक्ति के जो पिपासु व्यक्ति हैं, जो भक्ति के प्रति लालसा जिनकी है, उनकी योग्यता के अभाव के कारण वो क्या करते हैं, असत संप्रदायों का कुसिद्धांत के द्वारा वो तामस अच्छन्न हो जाते हैं। भक्ति तो करना चाहते हैं परंतु वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति न करके वो असत संप्रदायों में पढ़ करके और उनके कुसिद्धांतों के द्वारा वह क्या हो जाते हैं, तामसा छन्न हो जाते हैं, पर्दा से ढक जाते हैं और क्या होते हैं, पथहारा हो जाते हैं। पथहारा मतलब दिशाहारा जिसको बोलते हैं, बोलते ना भूल गया, रास्ता ही भूल गया, दिशाहारा हो गया। तो ऐसे ही जो भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति पिपासु लोग हैं, वह अथ संप्रदाय में जाकर के वह क्या करते हैं, उनके मतों को धारण करके दिशाहारा हो जाते हैं। वहां पर हो जाने से क्या होता है, सत सिद्धांत लोग पथ प्रदर्शन करें, जो सत सिद्धांत को जानते हैं, शुद्ध सिद्धांत को जानते हैं, वह लोग क्या करते हैं, उनके पथ को प्रदर्शन करते हैं, भाई इस रास्ते पर न जा करके आप इस रास्ते पर चलिए, आपका मंगल होगा। और मनेर जो व्यसन है, मने मन की जो किरणाएं हैं, रंग है, उसको क्या करते हैं, कठोरोक्ति कठोर युक्ति के द्वारा, कठोर वाक्यों के द्वारा, क्योंकि जो शुद्ध साधु होते हैं वो वाक्य हथौड़ा मारते हैं, वाक्य रूपी हथौड़ा मार करके उसको उसके जो पर्दा लगा हुआ था पर्दा को छेदन कर देते हैं, पर्दा को तोड़ देते हैं, वही सदगुरु है। जो हमारे अंदर के मन की जो रंग है चढ़ा हुआ, मन के ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ है उसको तोड़ देते हैं, तामस का जो आच्छन पर्दा लगा हुआ उसको चीर करके और शुद्ध सिद्धांत डाल देते हैं अंदर, यानी कठोर वाक्यों के द्वारा। कठोर वाक्य जब जैसे पक्का लोहा होता है तो उसके ऊपर जब हथौड़ा मारा जाता है तो टूट जाता है,
ऐसे ही कच्चा लोहा होता है तो हथियार बन जाता है। इसी प्रकार से जो संसार में तमाम प्रकार के कुसिद्धांतों को धारण करके रखे हुए हैं, उनको शुद्ध वैष्णव लोग क्या करते हैं, वक्र रूपी हथौड़ा मार करके उनको तोड़ देते हैं, हृदय को तोड़ करके उसको क्या करते हैं, भक्ति पथ पर लेके जाते हैं, वही सद्गुरु हैं। ताराई दीक्षा प्रभावे आज गौड़ीय सर्व प्रकार हृदयगत काम बीज काम कृष्ण सेवाय नियोजित करिया भक्ति पथेर पथिक गणेर पथ निराजन कार्य व्यस्त। वही गुरु क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आज, वही लोग आज दीक्षा के प्रभाव से, दीक्षा देकर के उसके प्रभाव से आज गौड़ीय मठ गौड़ीय संप्रदाय जो है वह क्या करे, हर प्रकार से हृदयगत हृदय के अंदर जो कामना है उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करके भक्ति की लाइन में ले जा करके लगा देते हैं और पूरा जीवन क्या कर देते हैं, उसका पथ निराजन कार्य व्यस्त कर उसके पथ को उसके जीवन को भगवान की सेवा में लगा कर लगाते रहते हैं, अपने आप को व्यस्त करके रखते हैं। सद्गुरु का काम यह है, भगवान की सेवा में लगाना, खुद भगवान नहीं बन जाना। आजकल तो ऐसे वैसे गुरु हैं खुद ही भगवान है, बोलते हैं कि मैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, बोलते हैं मैं तो भगवान का ही अवतार हूं, कृष्ण का ही अवतार हूं। लेकिन भगवान किसको कहते हैं, भगवान के अवतार किसको कहते हैं, शास्त्र के प्रमाण से जाना जाता है, शुद्ध जो शास्त्र हैं उसके प्रमाण से जाना जाता है भगवान कौन हैं और उनके भक्त क्या हैं, उनके भक्त कौन हैं, ये सब शास्त्र में है। लेकिन शास्त्रों को हम खटना नहीं चाहते, शास्त्रों को में ढूंढना नहीं चाहते। कल बताया था ना, ऊपर से मलाई खाने की ऐसी आदत पड़ गई हमारी कि घी बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, घी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर लोग बोल दिए हैं कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हम मूर्खों की बात कौन नहीं सुनेगा, मूर्खों की बात कौन नहीं सुनेगा। मूर्ख लोग बोलते हैं कि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, मांस खाओ, मछली खाओ, मांस खाओ तो उससे क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। लेकिन उससे कितना बड़ा अपराध हमारा हो रहा है इसको मूर्ख लोग डॉक्टर लोग नहीं समझते हैं। हमारे एक कृष्णानगर में महाराज थे, वह गए थे डॉक्टर के पास आंख दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने उनको चेक वगैरह किया, बोलता महाराज आपके पावर आंख की जो पावर है वह कमज़ोर हो रही है, इसके लिए आपको अंडे खाने पड़ेंगे, अंडे खाने से प्रोटीन मिलती है और आपको रोशनी जो है ठीक हो जाएगी। तो बोलते हैं डॉक्टर बाबू आपकी उम्र कितनी है, बोलते हैं 40 साल, बोलते हैं मैं 80 साल का हूँ और मैंने बचपन से कभी अभक्ष्य चीज़ खाया नहीं, आज तक 80 साल तक मेरी रोशनी आँख की है, अभी भी मैं पढ़ लेता हूँ, और आप 40 साल के हो, मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, सब कुछ खाते हो, फिर आपकी रोशनी क्यों नहीं आई, क्यों चली गई, क्यों चश्मा लगा कर रखी, चुप, कोई जवाब ही नहीं उसके पास। तो डॉक्टर लोग ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं अपनी धंधा चलाने के लिए, इसलिए कम से कम एक चम्मच अगर घी खाते हैं हम तो कोलेस्ट्रॉल होने वाला नहीं है, ब्लॉकेज भी नहीं होंगे, ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होते हैं, सारी नसों को खोल देता है घी, ये लोग क्या जाने। इसलिए ये पाश्चात्य देशों से की जो थेरेपी है ला करके हमारे ऊपर थोप दे रहे हैं, जिसके कारण हमारी
दुर्गति हो रही है। आजकल देखो जितनी भी बीमारियां आ रही हैं सब पाश्चात्य देश से तो आ रही हैं, विदेश से आ रही हैं। हमारे भारत में कहाँ इतना बीमारियां हैं, हमारे भारत में इतनी बीमारियां तो नहीं है, सारी बीमारियां तो विदेश से ही तो आ रही हैं, क्योंकि वो अपनी थेरेपी यूज करते हैं और उसमें बीमारियां पैदा होती, हमारे यहाँ भी आती हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े परिक्रमा होती हैं, इतना बड़ा सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन विदेश से आकर के बीमारियां ला देते हैं, हम लोगों के लिए काल बन जाते हैं हम लोग। तो जो पाश्चात्य देशों की जो पढ़ाई आकर के हमारे ऊपर थोप दी गई है, जिसके कारण आज हम लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम अपने आप को भगवान में सेवा में नियोजित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम समझ सकते हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है गीता में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से हमारा शरीर में प्रॉब्लम होगा, सब कुछ दिया है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि पता है ना मलाई खाने की आदत है ना, घी कौन बनाने जाए, घी बनाने से बहुत परिश्रम होता है, तो परिश्रम नहीं करना पड़े, ऊपर ऊपर से मलाई खाने को मिल जाए बस छुट्टी, इसलिए वो करना पड़ता, कष्ट पाना पड़ता। तो जैसा भी है तो हम कोशिश करें कि काम को भगवान की सेवा में अगर हम नियोजित करें तो वास्तविक रूप से हमारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो दुश्मन है उससे हम बच सकते हैं, उससे हमारी रक्षा हो सकती है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। आप लोगों से प्रार्थना कि YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें और पेज को फॉलो करने की कोशिश करें। हरे कृष्ण।